रामायण की कथाओं और श्री राम के पराक्रम साथ साथ हनुमान जी के बल से तो हम और आप सभी भली भांति परिचित है, परंतु क्या आप ये जानते हैं कि श्री राम के साथ उनकी सेना में सुग्रीव के सेनापति के रूप में रहने वाले जामवंत कौन थे और वो अकेले ही कितने शक्तिशाली थे। यदि नहीं तो आज हम आपको बताएंगे जामवंत से जुड़े ऐसे रहस्य जिन्हें जानने के बाद आप सभी के होश उड़ जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। श्री राम हनुमान जी से जुड़ी कथाओं को तो हम सब जानते हैं, लेकिन इनके साथ रहने वाले जामवंत का नाम तो आपने भी कभी ना कभी सुना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जामवंत कौन था? वाल्मीकि रामायण के अनुसार जामवंत प्रभु राम की सेना में उम्र में सबसे बड़े जामवंत ही थे। कई कथाओं के अनुसार जामवंत का जन्म सतयुग के समय का बताया जाता है। जामवंत के पिता कोई और नहीं स्वयं ब्रह्मा जी थे। एक बार ब्रह्मा जी तप में लीन थे और उसी समय उन्हें जमा ही आई, तभी उनके मुख से एक रिज यानी भालू ने जन्म लिया जो जामवंत थे। जमाही से जन्म लेने के कारण ही उनका नाम जामवंत पड़ा। यदि जामवंत कितने शक्तिशाली थे इसकी बात की जाए तो लंका पहुंचने के लिए जिस समय समुद्र पार करना था उस समय प्रभु राम की सेना में दो ही ऐसे व्यक्ति थे जो ये पराक्रम कर सकते थे। प्रथम थे हनुमान और दूसरे जामवंत से, परंतु हनुमान को लंका ही भेजा गया क्योंकि जब जामवंत से लंका जाने को कहा गया तब उन्होंने बताया कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और इतना बड़ा समुद्र पार करना मेरे लिए मुश्किल होगा। परंतु इसका कारण ये था कि हनुमान जी अपने बचपन में मिले श्राप के कारण अपनी सारी शक्तियाँ भूल गए थे। उन्हें वो शक्तियाँ किसी और ने नहीं खुद जामवंत ने ही याद दिलाई थी। इसी के साथ जिस समय प्रभु राम और रावण की सेनाओं में युद्ध चल रहा था उस समय अकेले जामवंत रावण के 50,000 असुरों से एक साथ युद्ध कर रहा था। साथ ही एक कथा के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ भी जामवंत का युद्ध हुआ था जो पूरे 28 दिनों तक चला था, जिसके बाद वो कृष्ण से प्रसन्न हो गए और परास्त हो गए और अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ करा दिया। अब आप लोग समझ ही सकते हैं कि जामवंत कितने शक्तिशाली होंगे कि स्वयं श्री कृष्ण भी जामवंत को 28 दिन तक युद्ध में हरा नहीं पाए थे। तो दर्शकों कैसे लगे आपको जामवंत के पराक्रम की ये कथा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।